हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरप्रीत कौर, मैं मोहाली तो हाँ। सर्जरी दे टाइम मेरा वेट सीगा 98 केजीज अप्रोक्सीमेशन, वादी होगा अद्धा किलो मैनू लगता ये नालों। तो आज सर्जरी नू 3 महीने कंप्लीट होने तो बाद मेरा वेट हैगा या 69 केजीज, मतलब एक ड्रैस्टिक चेंज सिर्फ सर्जरी दे करके मेरे विच आया। तो पहला तो मैं भी बहुत डर लगता सीगा क्योंकि लोगों के मिथ ने कि सर्जरी तो बाद एक वीकनेस हो जूगी, पता नहीं अंदर की सैटिंग हुंदी होनी है भी जिद्दे नाल एकदम थोड़ा वेट लूज होने लग जाएगा, पता नहीं ये ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। सर्जरी मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन सीगा क्योंकि जो चीज़ों मैं अज फील कर रही हाँ, मतलब जिवें इंसान हवा में उड़ रहा हुंदा ना, एक फीलिंग है। सर्जरी जिहड़ा कि मतलब मेरी लाइफ का तो बेस्ट डिसीजन सीगा। मेरी फैमिली ने इस चीज़ से मैनू बड़ी सपोर्ट की। तो जो मेरिया मेडिसिन सीगियां हाइपर टेंशन दियाँ डिप्रेशन दियाँ, वो सब इस सर्जरी तो बाद बंद हो गई। मैं कोई हाइपर टेंशन की मेडिसिन नहीं लै रही, मैनू कोई मैं एनजाइटी की डिप्रेशन की मेडिसिन नहीं खा रही, बड़ी वधिया आराम नाल नींद आती है। और एक एनर्जी लेवल जड़ा मैं आफ्टर सर्जरी मैनू मिलया वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ऑसम आ। 100% एनर्जी लेवल रहिंदा जिन्ना मर्जी काम करी जावां। अगे ऐ हुंदा सी कि थोड़ा जा चल के ही मतलब ऐ होना कि फटाफट कोई चीज़ जगह मिल जाए, मैं बैठ जावां, मैं थक गई हाँ। हुण तां रेगुलर वॉक ते जानी हाँ, कई बार मतलब 10,000 स्टैप्स मेरा मतलब मैं इन्ना डे चलने ही हुंदे आ, पर 10,000 तो भी 20,000 चलना तो कदे फील नहीं हुंदा भी कोई मतलब मैं वीकनेस फील हो रही है या कुछ भी। ऑल द टाइम 24/7 मतलब वो पूरा एनर्जी लेवल फुल है। सारा घर का काम करना, जॉब पर जाना, सारिया चीज़ों मैनेज बहुत वधिया वे नाल कर पा रही हाँ। अपने सूट वेख के खुशी मिलती है मैनू हुण कि मेरे पहले सूट चोले सीगे ते हुण वाले एग्जैक्ट शेप दे विच आ भी इन्ना ज़्यादा चेंज अपनी बॉडी दे विच, खुद दो अखी वेख रही हाँ। और ये किसी डाइट नाल पॉसिबल नहीं हैगा, असी बहुत डाइट्स ली हाँ, बहुत पैसे वेस्ट किए। मैं सारे नूं यही कहूँगी कि ये जिहड़ियां डाइट्स एंड जिम एंड ऑल दैट है ना, दिस इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। वो 5 किलो घटता सी, 15 किलो वध जांदा सी। जो मर्जी खा सकदी हैं इस टाइम के उपर। हाँ हुण तां मतलब थोड़ा माइंड सिग्नल देन लग जांदा कि बस 2-4-5 बाइट्स जिनी भी डाइट हैगी है वो लै के मतलब कि बस हुण इस तों उत्ते नहीं मैं लै सकती। पर हाँ, खा जो मर्जी सकती हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। डॉक्टर अमित गर्ग दा, उन्हां दी सारी टीम दा मैं बहुत 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 थैंक यू करती हाँ मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन लिए भी मेरे च इन्ना चेंज आ गया ना, एक कॉन्फिडेंस लैवल बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ होया। जिवें पहला लगता हुंदा सी जिहड़ी भी चीज़ की नॉलेज सानू है मैं मतलब अगले बंदे नू, क्योंकि अजकल जो मेन गल आ सब लोग थोड़े लुक्स नू वेखदे आ, थोड़े अंदर क्वालिटीज़ की आ वो सेकेंडरी चीज़ आ, प्राइमरी थोड़े लुक्स है। पर हुण मैं वेखदी हाँ भी हुण मतलब हुण उन्होंने ऐ हुंदा कि पता नहीं इनू किन्नी नॉलेज होगी कि जिहड़ी सानू नहीं हैगी, मतलब वो कॉन्फिडेंस लैवल वधन दे नाल वो चीज़ फील की आ मैं, जबकि वो चीज़ा मेरे अंदर पहला भी सीगियां एजुकेशन वाइज। जिहड़े काम मेरे प्रोफेशनल लाइफ दे हैगे आ वो काम मैनू पहला भी एज इट इज़ ही आउंदे सी, पर थोड़े लुक्स दा चेंज होण नाल थोड़ी जिहड़ी एक वेटेज वधदी आ थोड़ी वर्क प्लेस दे उत्ते, थोड़ी परसनल लाइफ दे विच। पहला तो थोड़ा सारे ऐ समझते जो तुम ओवरवेट हो गए भी बस ये बंदा तो ऐ ही तुरै फिर, इनू तो कोई अपने लाइफ नाल कोई मतलब नहीं है, भी यदा वेट वध गया ये बस नकारा बंदा हुण दुनिया दे उत्ते। पर ये चीज़ जिहड़ी मैनू परसनली फील हुंदी है भी हुण सारिआं दा परसैप्शन तुहाडे टूवर्ड्स चेंज हो गया, मतलब तुसीं बड़े सियाणे हो गए, वेट घटण नाल सियाणा भी हो जांदा बंदा हुण पता लग्गिआ। बाकी मैं आ सुजैसट करदी हां भी जिहड़ा बंदा अबव 90 चला गया ना, जिहड़ा BMI वध है उहदे बॉडी वेट नालों ते उहदी हाइट नालों जिन्ना रिक्वायर्ड है, वह बिना सोचे आ के डॉक्टर गर्ग नूं मिल लो। तो जिहड़ी लाइफ हुण मैं जी रही हाँ ना वह बंदा भी जी सकदा, इंसान जी सकदा। मतलब ये चीज़ मैं सोची नहीं सी जिहड़ी डॉक्टर गर्ग करके मैं हुण जी रही हाँ।
ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਊ ਮੇਰੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਓ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ 110% ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੀਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲ ਏਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਡਰੈਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ, ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 100% ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਫ ਜੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਓਬੈਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਥ ਮੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ। 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 29-30 kg ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ 5-6 inches ਲੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ 6-6 inches ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ 3XL ਟੂ ਨਾਓ ਲਾਰਜ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਡੂਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ 'ਚ 10 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਲ 'ਚ, ਪਰ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੈਸਟ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ।